श्वास अंदर लीजिए, धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस आए। हाथों को नीचे करें और विश्राम करें। इस स्थिति में रहने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आराम करते हुए हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और मौजूद हैं इस समय हम भगवान शिव के सबसे बड़े धाम काशी विश्वनाथ मंदिर में भी। योग कार्यक्रम बृहद स्तर पर यहां पर आयोजित किया गया जिसमें हर वर्ग के लोगों के साथ साथ प्रदेश सरकार के मंत्री, वाराणसी के विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन खास बात यह है कि नौजवान पीढ़ी भी पूरे उत्साह के साथ इस योगाभ्यास में शामिल हो रही है। चलिए हम बात करेंगे, क्या कहेंगी, कैसा अनुभव रहा आज, आज योग किया है, कैसा लगा? योग करके बहुत अच्छा लगा। वैसे ज़्यादातर तो योग करते रहिए, पर आज जब योग किए तो समझ आया कि योग करना चाहिए और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। क्या मानती है हमें अपने इसे दैनिक दिनचर्या में भी अपनाना चाहिए, नियमित तौर पर करना चाहिए? हाँ, नियमित तौर पर भी करना चाहिए, क्योंकि जब आज किए तब पता चला कि हाँ रोज करना चाहिए। वैसे उतना ज़्यादा वो नहीं करते थे कि योग दिन के ही योग करने में आपको ये अनुभव हो रहा है कि हमें इसे डेली करना चाहिए। आपका क्या अनुभव है, आज पहली बार किया कि नहीं, आपके भी डेली रूटीन का ये हिस्सा है? डेली नहीं, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, बट ऐसे करते हैं। और क्या मानती हैं, योग को हमें डेली करना चाहिए? हाँ, योग को हमें डेली करना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, हम लोग को हेल्दी रखती है। हर एज ग्रुप को हमेशा योग करते रहना चाहिए। आप क्या मानती हैं, योग को लेकर क्या कुछ सोच है आपकी, क्या आपको समय नहीं मिलता है या फिर आप करती हैं डेली? क्या मैं डेली योगा करती हूँ सुबह 6 बजे उठ के, और जब से मैं योगा नहीं करती तब से मेरी रूटीन स्टार्ट नहीं होती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक युवा को, हर एक इंसान को योग करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक, शारीरिक सारी चीज़ों से हम मुक्ति पा सकते हैं। आजकल लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन योगा से हम उस चीज़ को, उस चीज़ पर जीत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप क्या मानती हैं, योग करती हैं डेली कि नहीं, पहले ये बताइए। सर, डेली बेस पे तो नहीं है, बट ऐसे कभी भी होता है तो हम लोग करते हैं। अच्छा, आज का अनुभव कैसा रहा? इन्होंने तो बताया कि नहीं, आज करने के बाद लगता है कि हमें डेली करना चाहिए, तो आज का अनुभव कैसा? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी है तो कुछ भी योग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप जितना योग करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लाभ पहुंचेगा। एक बात बताइए कि आज ही किया है कि या फिर डेली करते भी हैं आप लोग? डेली भी करते हैं योग, आज भी किए हैं, पर ऐसे और भी लोग तो अच्छा लगा सबके साथ करके भी। अच्छा, अनुभव अच्छा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल भी देखें तो भी मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या भारत के गौरव को, गौरव का गान दुनिया में हो रहा है, इसकी कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, भारत हर जगह है अब तो। आप क्या कहेंगे, इसकी कितनी खुशी है, अगर बहुत दुनिया के बड़े से बड़े देशों में भी अलग अलग स्थल पर भी योग किए जा रहे हैं? हाँ, बहुत, हमारा भारत हर जगह योग वोग सब फेमस हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं उसको, आगे बढ़ रहे हैं, जागृति दिखा रहे हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। चलिए, एक संदेश है कि आप लोग भी नियमित तौर पर अपने दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाइए तो भगवान शिव के एक बड़े धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आज बृहद स्तर पर योग महोत्सव को आयोजित किया गया। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।